नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। देश में लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को होने वाला है और वहीं 30 मई यानी कि आज शाम तक चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 48 घंटे के ध्यान के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव प्रचार थमने के बाद ये बीजेपी के चुनाव प्रचार की सिर्फ एक रणनीति है, जिसके चलते चुनावी प्रतिबंधों को बीजेपी तोड़ना चाहती है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मीडिया द्वारा मोदी के इस ध्यान लगाने के कार्यक्रम का प्रसारण न किया जाए। उधर टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि मोदी का ध्यान कार्यक्रम प्रसारित हुआ तो पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। तो अब सवाल ये है कि क्या सच में पीएम मोदी के ध्यान लगाने से चुनावी प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा? तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर कानून क्या कहता है। बता दें कि सरकारी सूत्रों का कहना है कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के कार्यक्रम पर चुनाव आयोग और चुनाव कानून के तहत कोई रोक नहीं है। सूत्रों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला देते हुए ये भी बताया है कि मतदान से पहले साइलेंस पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या फिर जनता के बीच चुनाव प्रचार पर रोक लगती है और साइलेंस पीरियड मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ऐसे में देखा जाए तो अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए साइलेंस पीरियड गुरुवार को शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसी के साथ उन्होंने इस संबंध में पिछले महीने चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस नोट का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी इस चरण में मतदान होगा। ऐसे में जब तक कोई उस इलाके के बारे में बात नहीं करता है जहाँ चुनाव हो रहा है, तब तक इस पर कोई रोक नहीं है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि आयोग ने पीएम मोदी को 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी इसी तरह की अनुमति दी थी, जब मई में अंतिम चरण के दौरान वाराणसी में चुनाव निर्धारित किया गया था। वहीं आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि जहां पीएम मोदी ध्यान लगाने जा रहे हैं, ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने देश भ्रमण के बाद 3 दिनों तक तप किया था। यहीं पर उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। जानकारी मिली है कि समुद्र तट से करीब 500 मीटर दूर स्थित चट्टान पर विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को तैरकर पहुंचे थे। 25 से 27 दिसंबर तक उन्होंने इसी चट्टान पर ध्यान किया था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।